क्या आप ये कहेंगे कि भाजपा डर रही है कहीं ना कहीं आपकी पहलवानी आपकी ताकत को देख के? मेरी ताकत को देख के नहीं, आम आदमी की ताकत को देख। आप जहाँ पे जाओ सहीराम पहलवान जी का माहौल एक तरफा है, लोग अपने आप निकल के विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मनाने और में लगे पड़े हैं और चुनाव के बाद ही मानेंगे, लड़ लड़ के वापस में खत्म हो जाएंगे, हमारी सीट निकल रही है एक तरफा। अच्छा, आपको ये लगता है कि चुनाव से पहले पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, हो जाएगी नहीं है। नहीं। अच्छा, ये जो बार बार ईडी का समन जारी हो रहा है और केजरीवाल जी जाने को तैयार नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में एक शख्सियत ऐसी है जो उनको टक्कर दे सकती है। सीवर का काम चल रहा तो खुदाई होगी तो मलबा तो निकलेगा ना, अब एलजी साहब थोड़ी उठाएंगे मलबा, समय के साथ काम होएगा। एलजी साहब से बोलो अपना काम करे, संगम विहार के दौरे दिल्ली के दौरे करने छोड़ दे, तीनों आम आदमी के पास आते और उससे जिता के भेज देंगे, ये हमारा वादा है। क्या इस बार भाजपा आ पाएगी साउथ दिल्ली में या नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, नहीं। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। इस लोकसभा से हमारा वादा हटा के छोड़ेंगे। जितनी जनसभाएं पद यात्रा हो रही है आप देख लो, और जो रामवीर सिंह भदौड़ी के कैंडिडेट है उनकी जनसभाओं 50 लोग भी नहीं आ रहे। कल खानपुर में मीटिंग हुई उनकी, 40 लोग थे, फ्लॉप हो रही है उनकी। साल की तो बात ही मत करो, साल को महीनों में हो जाएगा, महीनों की बात करो, 2-3 महीने में खत्म कर, 2-3 महीने में पूरा पहाड़ खत्म होता है। बिल्कुल, इससे सबका अधिकार है, कोई चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले भी तो मेरा एक पहलवान है, दो बार MLA रहे हैं, सही शीशवाल पहलवान जी, वो भी पहलवान रहे, मेरे सीनियर पहलवान थे, वो भी दो बार MLA रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकसभा चुनाव प्रत्याशी सहीराम पहलवान, जो आम आदमी पार्टी से हैं। इससे पहले भी इनके कार्यों के बोलबाले आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे, तो इनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाया गया। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, अरविंद जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपने पहले भी कहा था कि आप तैयार हैं, तो क्या खास तैयारी है ऐसी आपकी जो आप जनता को बताना चाहेंगे, जो चीजें पहले हुई नहीं वो अब होंगी? देखिए, इसमें तैयारी की कोई बात ही नहीं है, पहली बार नहीं, मैं अब 9वीं बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। मेरे 9 विधायक हैं इस सीट पे, 22 मेरे 9 जवान निगम पार्षद हैं जो मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, तैयारी वो खुद करके खड़े बैठे हुए हैं तैयार। अच्छा, देखिए, जो भाजपा के प्रत्याशी है ना रामवीर सिंह भदौड़ी, वो ये कह रहे हैं कि सहीराम पहलवान पहलवान है, उनको पहलवानी करनी चाहिए, वो अखाड़े में रहे, वो चुनाव क्या राजनीति में क्या कर रहे हैं वो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अधिकार है, कोई चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले भी तो मेरे पहलवान है, दो बार MLA रहे हैं, ऐसे ही शीशवाल पहलवान जी, वो भी पहलवान रहे, मेरे सीनियर पहलवान थे, वो भी दो बार MLA रहे हैं ऐसे, और एक बार तो निर्दलीय रहे हैं। पहलवान तो अच्छे तक काम कर सकता है ना, और मजबूती से। तो क्या आप ये कहेंगे कि भाजपा डर रही है कहीं ना कहीं आपकी पहलवानी आपकी ताकत को देख के? मेरी ताकत को देख के नहीं, आम आदमी की ताकत को देख के। अच्छा, ये जो बार बार ईडी का समन जारी हो रहा है और केजरीवाल जी जाने को तैयार नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में एक शख्सियत ऐसी है जो उनको टक्कर दे सकती है, उनको रोकने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आज जो यहाँ पर वो दौरा कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक बार दौरा किया था और कहा था कि एक साल के भीतर भीतर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जो कूड़े के ढेर हैं वो कम नजर आएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो किस हद तक कार्य हुआ है यहाँ पे? अपने कैमरा मैन को बोलो इस साइड घुमा के दिखा, ये वहां तक था जब हमारी निगम में सरकार आई थी, बिल्कुल रोड के किनारे पे था, आज देखो कहाँ पहुंच गया है। ये हमारी सरकार का वादा था, कमिटमेंट था ये, कि अगर हमारी निगम में सरकार आएगी तो हम जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे, और देख लो आप सामने ही है। तो फिर भी कितना समय लग जाएगा, कितने और साल लगेंगे इसको बिल्कुल खत्म करने में, वो बता साल सकते? साल की तो बात ही मत करो आप। अच्छा। साल को महीनों में हो जाएगा? महीनों की बात करो, 2-3 महीने में खत्म कर दो। 2-3 महीने में पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, ऐसे अब देखो ना, एक साल नहीं हुई है, कितना किया है तो कर देंगे। आप लोगों का क्या कहना है? भाजपा तो आपस में लड़ रही है, कैंडिडेटों की आपस में कार्यकर्ताओं की लड़ाई चल रही है, और एक तरफा माहौल है। आप जहाँ पे जाओ सहीराम पहलवान जी का माहौल एक तरफा है, लोग अपने आप निकल के विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मनाने और में लगे पड़े हैं, और चुनाव के बाद ही मानेंगे, लड़ लड़ के वापस में खत्म हो जाएंगे, हमारी सीट निकल रही है एक तरफा। तरफा निकल रही है, सातों सीट पर आम आदमी पार्टी आएगी, इस बात की गारंटी है? नहीं, हम सातों पर नहीं, गठबंधन पर लड़ रहे हैं। मैं साउथ दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट हमारे मौजूद है, और आप हमारी जितनी जनसभाएं पद यात्रा हो रही है आप देख लो,
और जो रामवीर सिंह भदौड़ी के कैंडिडेट है उनकी जनसभाओं में 50 लोग भी नहीं आ रहे। कल खानपुर में मीटिंग हुई, उनकी 40 लोग थे, फ्लॉप हो रही है उनकी। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो संगम विहार में जब उन्होंने दौरा किया था तो वहाँ की स्थिति कुछ सही नहीं थी, तो क्या कहेंगे कि जो वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है, क्या वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं? एलजी साहब ने दौरा करा था, मैं वही का पार्षद हूँ। सीवर का काम चल रहा तो खुदाई होगी तो मलबा तो निकलेगा ना। अब एलजी साहब थोड़ी उठाएंगे मलबा, समय के साथ काम होगा। एलजी साहब से बोलो अपना काम करे, संगम विहार के दौरे दिल्ली के दौरे करने छोड़ दे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे संगम विहार की स्थिति को लेकर के? रामवीर सिंह भदौड़ी कई बार सवाल उठा चुके हैं। 80% पब्लिक हमारे साथ है, विधानसभा में 80% बहुमत हमें दिया, और पार्षद आपने देखा होगा, तीनों पार्षद हमारे हैं, नहीं है, तीनों आम आदमी के पार्षद हैं, और उससे जिता के भेज देंगे, ये हमारा वादा है। तो क्या इस बार भाजपा आ पाएगी साउथ दिल्ली में या नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। इस लोकसभा से हमारा वादा हटा के छोड़ेंगे। तो दिल्ली से पूरी तरह से इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा, पक्का 100% करेंगे। और अगर नहीं हो पाया तो? नहीं हो तो फिर लड़ेंगे, इसको कौन सी पाबंदी हो जाती है। अच्छा, आपको ये लगता है कि चुनाव से पहले पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, क्यों हो जाएगी, उनकी नहीं है। नहीं, ये तो खाली जो है ना ढकोसलेबाजी चल रही है। अच्छा। एक चुनाव को दिखाने के बारे वो कर रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। नहीं होता तब से पहले क्यों बंद नहीं करा? अब तक अब से पहले भी तो आ रहे हैं नोटिस, क्यों नहीं बंद करा? इतने समन क्यों आ रहे हैं? समन ये तो इनका काम है, उसे कैसे रोक जाएंगे? ये तो एक डराने को सेंटर सरकार है, उनके कोई आगे जो है ना ईडी और सीबीआई उनकी घर की सरकार है, उसे जहां मर्जी बुला लो। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि वो ऐसे ही बिना वजह उनको बार बार भेज रही है? हाँ, बार बार। अच्छा। नहीं तो अब से बंद क्यों ना करा?